हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कनेक्शन लॉस्ट FPV। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। मैं हूं सूरज। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं तुंगनाथ। तो सबसे पहले मंदिर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं, जिन्हें कि पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 3,500 फीट के लगभग की ऊंचाई पे लोकेटेड है। सबसे पहले जान लेते हैं मंदिर के नाम का मीनिंग क्या है। तुंग मतलब हाथ या भुजा और नाथ मतलब भगवान शिव से रिलेटेड रिलेशन, इसीलिए इसे तुंगनाथ महादेव कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भुजाओं से मंदिर का क्या लेना देना, मतलब कोई सीन ही नहीं है। चलो फिर मैं आपको यहाँ के ना एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि आप लिंक कर पाओगे कि सीन क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण के बारे में जानते हैं। हजारों वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था पांडवों द्वारा। तो गाइस, महाभारत के टाइम की बात है, जब पांडवों ने ब्राह्मण हत्या की थी, वो अपने हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, तो उन्हें सिर्फ मुक्ति दे सकते थे भगवान शिव। उसी कारण वो भगवान शिव को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह गए। तो लास्ट में जाके वो पहुंचे केदारनाथ। भगवान शिव काफ़ी क्रोधित थे पांडवों से, तो उन्होंने क्या किया, एक बैल का रूप ले लिया और वो धरती में समाने लगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, भीम ने उन्हें देख लिया और उन्हें पूंछ से पकड़ लिया। तो जब वो पूंछ से उन्हें खींच रहा था केदारनाथ में, जो पीछे वाला पार्ट था वो वहीं केदारनाथ में रह गया, बाकी जो पार्ट्स थे उनके वो 4 अलग अलग डायरेक्शंस में गिर गए। इन्हीं डायरेक्शंस में जहाँ जहाँ ये पार्ट्स गिरे उनको पंच केदार बोला जाता है। तो पंच केदार में से तुंगनाथ जो बात हो रही है, जहाँ पे हाथ की बात मैंने की थी, तो वहाँ पे हाथ गिरे थे या दिखे थे, तो इसीलिए उसे तुंगनाथ बोले जाते हैं। जो बाकी पार्ट्स है, जैसे कि मुख हो गया, तो उसकी पूजा होती है रुद्रनाथ में, नाभि की पूजा होती है मध्यमेश्वर में, और जटाओं की पूजा होती है कल्पेश्वर महादेव में। इन 5 जगहों पे पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया और शिवलिंग की स्थापना की, और इसीलिए इन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। यही सब देख के भगवान शिव इनसे प्रसन्न हो गए और इनका जो पाप था वो उससे उनको मुक्ति दे दी। अभी तक मैंने जो 4 व्लॉग डाले थे वो सब तुंगनाथ सीरीज़ के थे, जिसमें कि पाब्लो और मेरे दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया था। 4 व्लॉग मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अगर आपने देखे नहीं है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी व्लॉग का एक कंटिन्यूशन और लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम आगे और कहीं जाएंगे दूसरी लोकेशन पे, तो वो अपडेट कर दूंगा मैं आपको आगे। फिलहाल के लिए अभी आते हैं वापस इसी व्लॉग पे बैक। तो गाइस, 7 किलोमीटर का ट्रैक हमारा पूरा हो गया है और हम पहुँच गए हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर। पाब्लो भी काफ़ी खुश है, पहली बार वो तुंगनाथ महादेव मंदिर आया है। तो गाइस, मंदिर में एंट्री करने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पाब्लो और हम लोगों ने सबने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम आगे मंदिर में दर्शन के लिए गए। तो गाइस, जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये मेन मंदिर है। जो दर्शन करने का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर वहाँ से पंच पांडव दर्शन, फिर वहाँ से माँ पार्वती के शिव गणेश दर्शन, फिर गर्भगृह तुंगनाथ जी के दर्शन, और फिर वहाँ से जस्ट मंदिर के बाहर पे जो नंदी महाराज हैं उनके दर्शन करने के बाद आप अमृत कुंड के दर्शन करने के साथ साथ रुद्रनाथ पितृशिला के दर्शन कर सकते हैं। जब दर्शन हो ही गए हैं तो आरती का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको रख दीजिए आगे के लिए। मेन दर्शन करने के बाद फटाफट से मंदिर की परिक्रमा करेंगे, देखेंगे चारों तरफ मंदिर के, 360 व्यू लेंगे मंदिर का, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो गाइस, जो 4 केदार हैं तुंगनाथ के अलावा, वहाँ पे जो साउथ के पुजारी होते हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन तुंगनाथ इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे साउथ के पुजारी नहीं, बल्कि वहीं गांव के मक्खू मठ के जो पुजारी होते हैं, लोकल पुजारी, वो आके पूजा करते हैं। तो गाइस, मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको अंदर का नहीं दिखा सकते हैं, बट अभी दर्शन हो गए हैं तो बाहर पे पाब्लो और हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो खिंचाने के बाद फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि शाम हो गई है और हमें किसी भी तरह आज वापस चोपता पहुँचना है, और कल वहाँ से हम निकलेंगे जोशीमठ के लिए, या फिर कोशिश करेंगे कि हम बद्रीनाथ पहुँच जाएँ। गाइस, निकलते हुए हो गया था मौसम ख़राब, बारिश भी हो गई थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा होता है कि एकदम से सूरज ढलने के बाद टाइम नहीं लगता है अंधेरा होने में, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम से निकल जाएं, हमें थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में ही, बस हमें 10 बज गए थे वापस चोपता पहुंचते, और कैमरे की बैटरी, फ़ोन की बैटरी सब खत्म हो गई थी, तो बहुत टफ हो गया था, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यदि आप लोग रोमांच के साथ धार्मिक यात्रा का मिक्सचर चाहते हैं, तो फिर आपको ज़रूर तुंगनाथ यात्रा करनी चाहिए,
और हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि मेनली ट्रैकिंग वगैरह के लिए उतना ज़्यादा अलाउड परमिशन वगैरह नहीं मिलती है, बट अगर उसे मंदिर से लिंक करके देख लिया जाए तो फिर परमिशन मिलना मतलब ईजी हो जाता है। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ईजी आपके लिए रहेगा कि आप मंदिर का बहाना बना के ट्रैक कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो आप मंदिर भी विजिट कर पाएंगे, दर्शन भी कर पाएंगे एंड ट्रैक का मज़ा भी ले पाएंगे। तो गाइस ये थी हमारी जर्नी तृतीय केदार तुंगनाथ की। जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा बद्रीनाथ, तो आपको बद्रीनाथ के भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद फिर ये कारवा आगे चलता रहेगा। तो गाइस अभी के लिए व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।